यही सामने से बहुत से बच्चे होते हैं जो कि चाहते हैं कि सर मैं अच्छी अच्छी 3D बनाऊंगा। कुछ लोग जॉब के लिए सोचते हैं कि पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है, उनके अंदर इच्छाएं होती है कि यार बढ़िया सा 3D बना के जब मैं क्लाइंट के सामने सबमिट करूंगा। 3D बनाने के लिए इसमें मार्केट के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ज्यादा सॉफ्टवेयर बहुत ढेर सारे, बट कौन कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं और उनमें भी सबसे अच्छा सिविल इंजीनियर्स के कौन सा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश मोटर, आप देख रहे हैं इंग्लिश में सेल्फ यूनिक। यही सामने से बहुत से बच्चे होते हैं जो कि चाहते हैं कि सर मैं अच्छी अच्छी 3D बनाऊं, उनके अंदर इच्छाएं होती है कि यार बढ़िया सा 3D बना के जब मैं क्लाइंट के सामने सबमिट करूंगा। कुछ लोग जॉब के लिए सोचते हैं कि पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है तो उसके लिए एक अच्छी सी 3D अगर बना लूंगा तभी पोर्टफोलियो अच्छा होगा। कई रीजन से लोग पोर्टफोलियो के लिए या फिर कई रीजन से 3D बनाना चाहते हैं, बट 3D बनाने के लिए इसमें मार्केट के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ज्यादा सॉफ्टवेयर बहुत ढेर सारे, बट कौन कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं और उनमें भी सबसे अच्छा सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन सा है? डिटेल में डिस्कस करने चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के लास्ट तक वीडियो को देखने चलना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि यार मुझे 3D का कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है और क्यों सीखना है। रीजन ये, सिर्फ ये नहीं कि ये सीख लो, ये क्यों सीखना है। आइए एक एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हमें 3D में बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा, सबसे पहले स्केचअप सॉफ्टवेयर का। गाइस, स्केचअप एक सॉफ्टवेयर है जो कि पहले गूगल के अंडर में था, गूगल इसको पब्लिश कर रही थी, लेकिन बाद में इसको ट्रिम्बल कंपनी ने, जिसका टेक्ला सॉफ्टवेयर नाम सुना होगा ना, तो ट्रिम्बल कंपनी ने इसको सॉफ्टवेयर को ले लिया। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं, बहुत ईजी मॉडलिंग हो जाती है। जिन लोगों को भी स्केचअप आता है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में आ जाती है। तो स्केचअप एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर आपको इंटीरियर करना है, एक्सटीरियर करना है, फास्ट करना है, आप बहुत अच्छे से इसके अंदर कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है आपका थ्रीडस मैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है गाइस 3D स्टूडियो मैक्स। मैक्स मतलब सबसे बेटर। वैसे तो गाइस अगर बात करें थ्रीडस मैक्स की, तो मूवीज इंडस्ट्री में भी काम करती है। आपने कई ढेर सारी मूवीज देखी होगी, जैसे अवतार देखा होगा, उसमें भी इसने मॉडलिंग किया हुआ है। उसके अलावा एनिमेशन में भी ये काम करती है, आप लोगों ने टेम्पल रन जैसे गेम खेले होंगे उसके लिए भी ये वर्क करती है। तो ऐसे कई ढेर सारी इंडस्ट्रीज इसके लिए काम करती है, बट आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के लिए भी काम करती है, और उसमें आपको ये एक्सटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग बेटर कर सकती है। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी की, तो क्योंकि मैं तो तीनों सॉफ्टवेयर को चलाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपको ये बता सकता हूँ, ये सॉफ्टवेयर गाइस थ्रीडस मैक्स जो है ये इंटीरियर के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इंटीरियर के लिए इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, न ही ये है और न ही ड्रेविड सॉफ्टवेयर है। तो मतलब ये अगर इंटीरियर करना है तो सबसे बेस्ट है। एक्सटीरियर भी कर सकते हैं, बट अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर है, वो है गाइस रेविट सॉफ्टवेयर। क्या रेविट सॉफ्टवेयर? रेविट ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, जिसको मैं उसे डिटेल में वीडियोस कई ढेर सारे मैंने बनाए हुए, ट्यूटोरियल्स बनाए हुए, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गाइस जिसे हर एक सिविल इंजीनियर को सीखना चाहिए। आप बोलोगे सर रेविट को आप कितना फोकस क्यों दे रहे हो, स्केचअप को आपने बोला हाँ जल्दी जल्दी काम करने के लिए अच्छा है, थ्रीडस मैक्स के लिए बोला कि मूवीज में भी काम कर सकता है, एनिमेशन इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, तब तो ये ज्यादा बेटर हो? नहीं, रेविट सॉफ्टवेयर क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको BOQ फाइल करना पड़ता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। इसके अंदर सिंपल मॉडलिंग होती है, आप ऑटोकैड से फाइल को इंपोर्ट करके फटाफट कैट की BIM जैसा वर्क कर सकते हैं, उसके बाद उसका पूरा BOQ निकाल सकते हैं। BOQ निकालने का कंप्लीट वीडियो मैंने आपको, अगर आप सर्च करेंगे BOQ बाय आकाश पांडे इन रेविट, तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, या आप कहेंगे तो हम यहाँ पर नीचे लिंक दे देंगे उसका। तो BOQ भी इसके अंदर निकाल सकते हो। इतना ही नहीं गाइस, रेविट के अंदर एक और अच्छी चीज क्या है गाइस, ये आर्किटेक्चर डिसिप्लिन का भी काम करता है, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन का भी काम करता है, और MEP डिसिप्लिन का भी काम करता है। एक ही टेम्पलेट में पूरा काम कर लेता है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो आपसे कोई ना कोई बोलेगा इसका कॉलम में रेनफोर्समेंट कैसे डालेंगे। रेविट स्ट्रक्चर में गए, प्रॉपर 3D में रेनफोर्समेंट दिखा दिया, सामने वाला भी खुश किया, इस लेवल की डिटेलिंग। आपको पूछा कि स्लैब में मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बांट दूं, आपने बोला रुकिए हम आपको स्लैब के अंदर बहुत इजी तरीके से रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिटेलिंग्स करके आपने दे दिया। एलिवेशंस में आपसे उन्होंने डिटेल मांगा कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी है, तो हमें प्लास्टर लगभग कितना लग जाएगा, या फिर प्लास्टर के लिए हमें सीमेंट और सैंड के कितने बैग्स लग जाएंगे, सबका सब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। पूरे घर के लिए डोर्स के जो प्राइजेस होंगे, कितने डोर्स होंगे, कितने विंडोज होंगे, कंप्लीट डिटेलिंग ये सॉफ्टवेयर आपको दे देता है। इसके अलावा इसमें और भी कई ढेर सारे फीचर्स हैं, जो कि जैसे कि अगर बीम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये अडॉप्ट करता है। ये बीम 360 सॉफ्टवेयर से सिंक्रोनाइज हो जाएगा, नेविसोर से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। मीन्स आप अपने घर से वर्क करें, हम अपने घर से वर्क करें, आप आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में काम करें, हम स्ट्रक्चर डिसिप्लिन में, एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही फाइल में हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम 360। ये फायदा है।
उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप मॉडलिंग कर लीजिए आर्किटेक्चर की, स्ट्रक्चर की, एमईपी की, और मॉडलिंग करने के बाद इसको नेविसॉर पे ले जाकर चेक कर सकते हैं कहां पर एक दूसरे से टकरा रही है, कहीं पर क्लैशिंग तो नहीं हो रहा है आराम से, मतलब यहां से आप ले गए वहां पर, और यहां पर जैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहां पर ऑटोमेटिक एडिट होता रहेगा कि भैया सही हो रहा है, क्लैशिंग जो है वो सही हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जैसे कि एनिमेशन कर सकते हैं आप, इसी मॉडल को ले जाकर वहां पर एनिमेशन कर देंगे। हाँ, ड्रॉबैक की बात भी कर लेता हूँ क्योंकि अच्छाई अच्छाई बहुत बोल दिया रैबिट, वैसे और भी बहुत अच्छाई है बट अभी इतना पर्याप्त है। अब इसकी बुराई क्या हो सकती है, तो गाइस बुराई ये होती है कि ये फाइल बहुत जल्दी बहुत हैवी बना देता है, 200 MB 150 MB की फाइल तो बहुत नॉर्मल फाइल बन जाती है इसके अंदर, तो सिस्टम इसके लिए थोड़ा चाहिए पावरफुल, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरा इसका जो समस्या है, इसका जो रेंडर का क्वालिटी है वो उतना बेटर नहीं है, रेंडर का जो क्वालिटी है उतना बेटर नहीं है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो आप जब यूज कर, जैसे कि टेबल यूज करना है, चेयर यूज करना है, डोर यूज करना है, अच्छे क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज करने हैं अगर आपको, तो ये पूरा हैंग करने लगता है। गार्डन वगैरह बना दिया तो पूरी तरीके से हैंग कर देता है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्या है गाइस, वो अगर आप रैबिट सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो इसके साथ आप यूज कर लो इनस्केप, क्या यूज कर लो इनस्केप। अगर आपने इनस्केप सॉफ्टवेयर को यूज कर लिया, रेंडर जो है ना आपका ऐसे बूम हो जाएगा, मींस बेस्ट क्वालिटी का रेंडर। इसके अंदर पूरी लाइब्रेरी है, आपको डोर चाहिए, विंडो चाहिए, या फिर किसी भी तरीके क्रिएटिविटी, कार लगानी है, गार्डन बनाना है, लैंडस्केपिंग करना है, रोड डिजाइन करना है, सब कुछ इसके अंदर है, आराम से लगाइए। और इसके अंदर की जो क्वालिटी है रेंडर की, वो क्वालिटी 3ds Max में जो वीरे लगाने के बाद होगा उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नो डाउट 3ds Max का वीरे जो है अगर उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे तो बहुत फैबुलस है, बट ये सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने इनस्केप यूज कर लिया, समझिए अब आपका रेंडर भी अच्छा हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में और भी बहुत से हैं, जैसे गाइस इसके अंदर एक ऑटोडेस्क का ही रेनफोर्समेंट का प्लगइन होता है, अगर आपने उसको कर लिया तो एक क्लिक पर आप हर जगह पर रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं। प्रीकास्ट का प्लगइन डाल दिया तो प्रीकास्ट के सारे कंपोनेंट रेविट के अंदर ही फटाफट आप लगा दोगे। स्टील के कोई भी कनेक्शन देना है, स्टील का कोई भी आपको फ्रेम बनाना है, आराम से इसके अंदर बना सकते हैं। मतलब रेविट सॉफ्टवेयर जो है बीम मॉडलिंग में लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ 60-70% वर्क करके दे देता है, एटलीस्ट मॉडलिंग का तो लगभग पूरा ही करके दे देता है। इसलिए मेरा वोट रहेगा और मेरा रेफरेंस रहेगा आप लोगों को कि आप रेविट सॉफ्टवेयर को सीखें, इस पर ज़्यादा जॉब भी मिलेगी, इस पर काम करना भी आसान है, और ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो कहता है ये कि इसको यूज करना चाहिए। होप क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें रैबिट यूज करना है या फिर स्केचअप यूज करना है या फिर 3ds Max। एक बार समरीज दे देता हूँ, स्केचअप जल्दी जल्दी मॉडलिंग करके किसी को देना है, जल्दी से सीखना है 3D को, तो आप स्केचअप को ले लीजिए, हार्डली एंड हार्डली 2-3 दिन में आप स्केचअप में काम वर्क का काम बनाने लगेंगे। 3ds Max बहुत टाइम लेता है, इसके अंदर भी फाइलें बहुत हैवी बनती, मीन्स हैंग करता है, बट ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप इंटीरियर बहुत बेहतरीन कर सकते हो। आपको एक्सटीरियर डिजाइनिंग अच्छा करना है, बिल्डिंग का लुक अच्छा करना है, ऑपरेशन सही करना है, डिटेलिंग सही करना है, तो इससे बेटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं, आप इसी को यूज करें तो बेटर रहेगा। होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।